द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। हमारे साथ हेमंत बिश्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री। क्या कहेंगे आप, पहली बार एक ट्राइबल लेडी? देखिए, पहले तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा प्रदेश में चाय बागान में बहुत आदिवासी लोग काम करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर है, सोशल वर्कर है, मंत्री का एक्सपीरियंस है, गवर्नर का एक्सपीरियंस है, साथ साथ में टीचर भी रह चुका है। हमारा देश जब आज़ादी का अमृत महोत्सव उद्यापन कर रहे, उस समय में प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ये एक बहुत ही पॉजिटिव है। आई विल टेल दैट दिस इज अ गोल्डन मोमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ये मतलब तो आप चूंकि मिल गए, तो एक सवाल तो पूछना बनता है। कल गौरव गोगोई ने भी आरोप लगाया कि बाढ़ आई हुई है और आप लोग एमएलए का। एक बार ये लोगों का दिमाग में क्या है पता नहीं है, बाढ़ है तो मैं गुवाहाटी का होटल बंद कर दूँ क्या? तो बाढ़ का जगह में हम लोग रिलीफ का काम करूंगा, लेकिन मैं तो ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई बाढ़ आया है अभी गुवाहाटी का सब होटल बंद हो जाएगा। अगर कल आपने निर्णय लिया कि मैं गुवाहाटी में 10 दिन जाके रुकूंगा, तो मैं क्या है सीएम आपको मना करूंगा कि आप मत आइए आसाम में। हम इतना रुपया खर्चा करता हूँ कि आसाम में आइए, आसाम में रहिए 10 दिन, माँ को दर्शन कीजिए, आप काजीरंगा आइए, तो अभी जो आया है उनको भी मैं मना कर दूँ क्या? नहीं, ऐसा कहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने उनको असम में, चूंकि आपकी सरकार है, तो एक तरह से होस्टेज करके रखा। अरे भाई, क्या होस्टेज है पता नहीं, होटल में है, रह रहा है, खुश है, मेरा मेहमान है, मुझको तो इतना ही जनरली खबर रखना है कि भाई आप लोग खुश है तो असम। ममता दीदी कह रहे हैं कि बंगाल भेज दीजिए। अरे ममता, वो यही तो सबसे बड़ा बात है, असम और बंगाल का टूरिज्म के लिए हमेशा कॉम्पिटिशन होता है। अभी जो असम में लक्ष्मी आया है वो बंगाल लेके जाना चाहते हैं। मैं ममता जी को बोलना चाहता हूँ, ममता जी आपका बहुत बड़ा प्रदेश है, अगर अभी कोई लोग असम आने के लिए निर्णय किया है, कम से कम उनको तो बंगाल में मत लेके जाइए, आपका तो अपना टूरिस्ट है ही। थैंक यू दादा। तो ये थे हेमंत बिश्व शर्मा, उनका कहना है कि अगर कोई तंज भरे शब्दों में कह रहे हैं कि अगर कोई असम आता है टूरिस्ट बन के, तो उसको मैं कैसे मना कर सकता हूँ।